हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अगर बेवरेज ऑपरेटर बनना है और धर्मकांटा अगर आपके पास अगल बगल है और आपको कहीं जॉब मिल रही है धर्मकांटे पे, जिसको बेवरेज ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो उस धर्मकांटे को आप किस तरह से चला सकते हैं, वो भी लेटेस्ट मशीन जो आई है इसको। तो आपको हम स्टेप बाई स्टेप टोटल इसमें जानकारी देंगे। आप हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो अभी मशीन है अभी लेटेस्ट में जो बेवरेज पे कहीं भी लगी रही है, तो यही मशीन लग रही है। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, आपको किस तरह से चलाना है, ए टू जेड जानकारी देंगे फ्रेंड। ग्रास, टेयर वेट और नेट वेट टोटल आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको स्टेप बाई स्टेप समझाते हैं। पहले तो आपको हम ले सकते हैं फ्रेंड अपने जो ये लोड सेल लगे रहते हैं कांटे के, इसको आपको एक बार आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से होता है कांटे का मशीन जिस पे गाड़ियाँ आती हैं, और आप देख सकते हैं फ्रेंड वहाँ से एक वायर है जो कनेक्ट होता है आपके जो यहाँ पे रहते हैं सिस्टम इसमें। तो ये टोटल हमारे सामने आप जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये काटा ये 100 टन का है फ्रेंड। तो इस पे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं 100 टन के तक वो काटा हो सकती हैं। तो अब चलिए आपको हम दिखाते हैं अंदर का पूरा टोटल अपना मशीन के रिलेटेड जानकारी और आपको सब कुछ समझाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आप देख लीजिए, ये मशीन है, ये उस मशीन में फ्रेंड आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें टोटल आपका वेट होता है, जितनी भी इसमें सिस्टम का काम है टोटल आपका इस पर होता है। इसमें लगा क्या क्या होता है फ्रेंड, अब इसमें कुछ कनेक्शन इसका इस तरह से होता है, इसमें आपका एक ये कीबोर्ड लगा रहेगा और आपका एक ये प्रिंटर लेजर जेट लगा रहेगा फ्रेंड, जिसको प्रिंट करना बहुत ही आसान होता है। और इसमें जो पेपर रहेंगे फ्रेंड, पेपर कुछ इस तरह से रहेंगे, आप देख सकते हैं ये कटिंग का पेपर रहते हैं दोनों साइड से, इसमें जो ये दाता रहता है इसको फंसा के आप इसको कर सकते हैं। अभी इस प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लगा रखा है, इसमें दाते हम नहीं फंसाए रखे हैं, तब ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो अभी इसको अगर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका कुछ मेनू बॉक्स कुछ इस तरह से है इसका, इसको अगर आपको अगर इसको पेज को ऑफ करना है तो यहाँ पर आपको ऑफ का चिन्ह दिख रहा है, इसको जैसे ऐसे करेंगे ये ऊपर हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये ऊपर हो रहा है। ये तो रहा फ्रेंड आपका यहाँ से, अब आपको हम ले चलते हैं फ्रेंड अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसको काटा किस तरह से की जाती है। मान लीजिए फ्रेंड अभी हमारे इस पे तो अभी 0-0 अभी कुछ वजन नहीं है हमारे कांटे पे, अगर बाय द अगर कोई गाड़ी आती है तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड आपको कीबोर्ड और स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं, इसमें सबसे पहले फ्रेंड आपको एफ ऑन करना है। अगर कोई गाड़ी इसमें आती है फ्रेंड तो इसमें एफ ऑन करके आपको आगे का प्रोसीजर करना है। जैसे हम एफ ऑन दाबेंगे आप हमारी गाड़ी इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं RST नंबर है कैसे जनरेट हो आएगा, जो एक सीरियल नंबर मिलता है उसके जरिए आप चाहें तो उस गाड़ी को कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे एफ ऑन दाबेंगे फ्रेंड यहाँ पे व्हीकल नंबर देगा, तो आपका व्हीकल नंबर जो भी है फ्रेंड, अब आपको जानकारी के लिए मैं ऐसे ही 123 डाल देता हूँ, ये व्हीकल नंबर होगा। इसके बाद आपको प्रिंट करना क्या है, इंटर दबा देना है। जैसे इंटर दबाएंगे फ्रेंड इसमें कस्टमर नाम मांगेगा, मान लीजिए फ्रेंड आपका जो भी कंपनी का नाम है इसमें आप फिल कर सकते हैं, ऐसे मैं मॉल लिख देता हूँ अपने कंपनी का शॉर्टकट नेम। अब इसमें देख सकते हैं फ्रेंड ये मटेरियल, जो भी मटेरियल फ्रेंड आपके सामने उस मटेरियल का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैंने डस्ट लिख दिया, ये डस्ट का मटेरियल यहाँ पर इंटर हो जाएगा। इसको जैसे इंटर मारेंगे फ्रेंड एक और आएगा कम्युनिटी, मतलब आप फ्रेंड जहाँ भी इसको रख रहे हैं या कहीं जा रहे हैं उसका नाम कर सकते हैं। अगर इसको आप छोड़ना चाहते हैं इसको इंटर भी मार के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ सोर्स फ्रेंड ही पूछ रहे कहाँ से आ रहा है, हमारे कंपनी में तो उसमें सोर्स डालना पड़ता है कि ये कहाँ से मटेरियल आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर आपको डालना है सोर्स में तो कुछ भी अपना नाम डाल कर सकते हैं, अन्यथा इसको इंटर मार दें। इंटर मारेंगे फ्रेंड यहाँ पर आप बेवरेज जो भी धर्मकांटा लगे रहते हैं ये लोग अपना चार्ज वहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी अगर 300 रुपये कहते हैं 300 डाल देंगे तो कागज़ प्रिंट होकर 300 रुपये आ जाएगा। अब जैसे ही 300 रुपये आप डाल देंगे इसके बाद इंटर मारेंगे ये आ जाएगा। अब टोटल अभी आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड वेट नहीं है, 0 kg बता रहा है, अगर वेट रहता तो यहाँ जितने टन रहता ये टोटल आपको दिखाता। अब जैसे हम इसको इंटर मार दिए, अब यहाँ दे रहा है फ्रेंड कि गाड़ी भरी है कि खाली गाड़ी है, तो जी का मतलब फ्रेंड ग्रॉस होता है मैंने भरी गाड़ी, और टी का मतलब टेयर वेट होता है मतलब खाली गाड़ी। अगर हमको ग्रॉस करना है फ्रेंड तो जी हम यहाँ दबा के यहाँ से इंटर मार देंगे। जैसे इंटर मारेंगे फ्रेंड इसमें तीन ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट, सेव, कैंसिल। तो अगर आप इसको तुरंत अभी बाय द प्रिंट करना चाहते हैं तो पी कर सकते हैं, यस करके सेव करके छोड़ देना चाहते हैं सिर्फ अपने बुक में एंट्री करके उसको छोड़ देंगे। अगर खाली गाड़ी फिर होके आता है तो उसको फिर आप बुक नंबर, सीरियल नंबर, RST नंबर जो मैं बताया आपको उसको देख के फिर से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आपका पेज का बचत हो सकता है अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे पी दिया है। जैसे हम पी दबेंगे यहाँ पे ऐसे पी डिलीट करके इधर ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड ये टोटल प्रिंट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा अप कर देंगे इस बटन से, ये स्क्रीन पर पूरा ऊपर नहीं आया है, इसको जैसे ऐसे करेंगे ये अप आ जाएगा। इसको जैसे ही आ गया फ्रेंड, यहाँ से हम इसको इस तरह से करके अलग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें क्या क्या है, एक बार आप देख सकते हैं। वेट मेरे पे है नहीं फ्रेंड, क्योंकि 0 KG दिखा रहे हैं। जो RST नंबर होता है फ्रेंड, ये कई जगह सीरियल नंबर भी लिखा रहता है या बुक नंबर भी कुछ भी लिखा जा सकता है। जब आपका ये सिस्टम लगता है तो उस टाइम आप चाहें तो इसमें जो भी नाम अपना डलवा सकते हैं। तभी RST नंबर मेरा 185 है, तो 185 सीरियल नंबर मिल जाए। RST नंबर सिंगल रहता है फ्रेंड, ये दोबारा इस नंबर से नहीं मिलेगा। 185 है तो 185 ये अब नहीं आएगा, अब 186 आएगा, 187 ऐसे करके बढ़ता हुआ जाएगा। अब आइकन नंबर 123 आपको दिखाने के लिए मैं डाल दिया। मटेरियल नंबर देख सकते हैं, मैंने डस्ट दिखा दिया, सोर्स मैंने नहीं डाला इसमें। कम्युनिटी जहाँ जा रहा है वो भी नहीं, मैंने छोड़ दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऑपरेटर सिग्नेचर है और इसमें डेट एंड टाइम है। डेट क्या है फ्रेंड, 22/4/2022 आज का डेट पड़ गया। टाइम आपका जो टाइम पर प्रिंट करेंगे सेम वही टाइम लेगा, 10:38। ये तो टोटल पर्ची का हो गया फ्रेंड, कि अगर आप भरी गाड़ी का करते हैं तब का। अब इसी गाड़ी को मैं मान लीजिए फ्रेंड फिर से वो आता है और उसको हम खाली गाड़ी निकालना है, तो हमको करना क्या है, सिर्फ इस नंबर को याद रखना है 185। अब चाहे तो सीरियल नंबर ये गाड़ी नंबर से भी निकाल सकते हैं, मगर 185 ऐसे कैसे RST नंबर से निकलता है, तो इसको आप याद रखें। अब जैसे मान लीजिए वो गाड़ी आती है फिर से दोबारा, तो हम उसको फिर से करना चाहते। अब दोबारा मान लीजिए फ्रेंड वो गाड़ी आ जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ़ोन दबाए थे भरी गाड़ी का करने के लिए, आप F2 दबा देंगे इसको प्रिंट से करने के लिए। RST 20 वेट के लिए बोला है फ्रेंड, RST नंबर जो था आप उसको इंटर करिए। अब जैसे हम 185 इसमें डाल देते हैं, 185 यहाँ से इंटर कर देंगे कीबोर्ड से, आप देख सकते हैं 185 इसको इंटर करेंगे, ये दे देगा आपका पिछला व्हीकल नंबर ये था। अब एक बार चेक करें, 10:38 पर आपने काटा किया था, ये था आपने ये क्या क्या इसमें इंटर किया है वो आपको सेव करेगा। आपका टोटल नेट वेट यहाँ से उसमें माइनस करके दे देता कि ग्रॉस में से इतना माइनस होकर आपके इतना वेट आ चुका है। अब यहाँ से आप दे रहा है कि फिर से इसको आप सेव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं प्रिंट, तो हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे फिर से प्रिंट करके देखिए पेज निकल के आ जाएगा। और जैसे पेज निकल रहा है फ्रेंड, मैं आपको इसमें टोटल नेटवर्क शो कराऊँगा कि कैसे नेटवर्क इसमें दिया है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से, ये आ गया फ्रेंड, हम इसको रख लेते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड RST नंबर 185, गाड़ी नंबर ये है, मटेरियल क्या था डस्ट सेम जो था। आप चाहें तो दोबारा वाली एंट्री में फ्रेंड इसको फिर से भी भर सकते हैं, जो कम्युनिटी है जहाँ सोच है इस नाम को अगर छोड़े रहेंगे फर्स्ट अगर ग्रॉस रेट में तो टे रेट में भर सकते हैं, मगर अगर दोबारा अगर कर लिए तो तिबारा में इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है कि आप इसको भरें। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रॉस रेट 0 KG मेरा कुछ था नहीं, टे रेट इतना है और नेट वेट टोटल आपका निकल के इतना आ जाएगा। टेयर वेट कितने बजे हुआ आपका फ्रेंड, ये देख सकते हैं आपका, ये आपका 10:41 पे, इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ फ्रेंड, इसलिए टेयर वेट ऊपर आ गया और खाली गाड़ी का नीचे शो करने लगा। जैसे रहेगा वो ऊपर आ जाएगा फ्रेंड, अगर ये वजन गाड़ी रहती तो। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड ये जो अमाउंट है इधर शो करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो समझ में आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर, आप कहीं भी बेवरेज ऑपरेटर में काम करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड इसके बाकी हम कीबोर्डों के बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो लंबा हो गया है इसलिए मैं आपको सिर्फ टे रेट और ग्रास रेट गाड़ी भरी और खाली काटा करने के बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टोटल जानकारी देंगे फ्रेंड, क्योंकि इसको किस तरह से एंट्री किया जाता है, कैसे व्हीकल नंबर से निकाला जा सकता है, किस तरह से समरी निकालना होता है और इसका क्या पासवर्ड होता है मैनुअली, और किस तरह से आप इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, टोटल A to Z जानकारी हम आपको देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।